सर क्वेश्चन इज ये, जैसे किसी हमें किसी चीज का एडिक्शन होता है, मतलब सबको होता है वैसे तो। सर मैं खुद मेरा पर्सनली पबजी में है। मैंने बड़ा सुना है पबजी। पबजी क्या है ये? पबजी गेम है सर। गेम है ये? यस सर। क्या होता है इस गेम में? एक बैटल ग्राउंड है, चार बंदे जो टीम स्क्वाड में खेले, चार डुओ में दो, एक बचना होता है, लास्ट तक बचता जो फर्स्ट आ जाओ बस। लड़ने का शौक है क्या? नहीं नहीं सर, लास्ट में चिकन डिनर मिलता है ना, उसमें क्या मिलता है? चिकन डिनर। अरे क्या हो, काम धंधा नहीं है तो उसमें एक वर्चुअल डिनर मिलता है आपको, और उसमें वर्चुअल डेट भी मिलती है या अकेले खाना खाना है? सर कभी कभार लड़की मिल जाए तो मार मुर के निकल लेती है, और क्या। जैसे किसी घर में घुसते हैं, लड़की मिल जाती है अंदर। ये संस्कार है आप लोगों के? हाँ, लड़कियों के मतलब घर में घुसते हो, लड़की को देखते हो, मार के निकल जाते हो। अरे भाई उसका नाम तो पूछ लेते। गेम इंस्टॉल किया था, 18 बार कर लिया, फिर वापस इंस्टॉल कर लेते हूँ। मतलब अनइंस्टॉल करते हो, फिर बार बार इंस्टॉल कर लेते हो। द पॉइंट इज एडिक्शन, गेम से एडिक्शन हो जाता है। जी सर। ये एडिक्शन क्या होता है, कभी सोचा है? व्हाट इज एडिक्शन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिक्शन टू अ गेम, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। बार बार छोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं छोड़ पाते, ऐसा क्यों होता है? प्लेजर। व्हाट इज प्लेजर? इज प्लेजर हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस अलग चीज है, प्लेजर अलग चीज है? प्लेजर से हैप्पीनेस मिलती है या हैप्पीनेस चली जाती है? आराम से सुनना मैंने क्या बोला है। आपका एडिक्शन है, उसके हिसाब से आप चलते हो, आपको प्लेजर मिलता है, फिर चलते हो फिर प्लेजर मिलता है, फिर चलते हो फिर प्लेजर मिलता है। लेकिन आपका जो एडिक्शन है उसको कुछ दिन बाद आप छोड़ देते हो तो वहां पे प्लेजर मिलता है? पेन कुछ दिन तक हुआ, क्योंकि जब भी कोई एडिक्शन को आप छोड़ोगे तो कुछ दिन तक बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। आदत पड़ी होती है ना, बार बार ध्यान वहां पर जाए। लेकिन अपनी उस आदत को, एक आदत को, किसी भी एक एडिक्शन को आपने कॉन्कर कर लिया तो वहां पर क्या मिलता है? हैप्पीनेस मिलती है, नहीं मिलती है? एक डीप सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, मजा आ गया। और दूसरी तरफ से क्या मिल रहा है आपको? हैप्पीनेस मिल रही है, उस प्लेजर के हिसाब से चल रहे हो, या जिसको आप हैप्पीनेस समझ रहे हो वो कुछ सेंसेशंस है जो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, लेकिन उन सब सेंसेशंस के पीछे, उन प्लेजर्स के पीछे सिर्फ सफरिंग है, रिग्रेट है। हाँ, दैट इज द राइट वर्ड, रिग्रेट है। रिग्रेट होता है, नहीं होता है हर एडिक्शन के पीछे? जब कर रहे होते हैं तब तो होश ही नहीं होता है, जैसे कर लेते हैं बाद में रिग्रेट होता है, ये क्या किया मैंने, सोचा था नहीं करूंगा फिर कर दिया। तो रिग्रेट क्या है? क्या हैप्पीनेस है? क्या कहेंगे इसको? पछतावा। किसने बोला ये? थैंक यू सो मच, आपने बताया रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। हम में से किसी को नहीं पता था ये, राज खुल गया है आज। मेरे पूछने का मतलब है, इज रिग्रेट हैप्पीनेस? एक ऐसी लाइफ जिसमें रिग्रेट्स ही रिग्रेट्स हो, ऐसी लाइफ को आप क्या कहोगे? बहुत खुश हो, कैन वी कॉल इट अ हैप्पी लाइफ और एन अनहैप्पी लाइफ? इट्स अ प्रिजन, जेल के जैसा है, जहां पे आप फंस जाते हो, जहां से ना निकल सकते हो ना वहां पर रह सकते हो। ट्रैप, जैसे चूहे पकड़ते हैं। चूहे पकड़े कभी? कैसे पकड़ते हैं बताओ? हाँ बताओ बताओ, माइक लेकर के बताओ, एक माइक दो उनको ही दे दो जिन्होंने ट्रैप बोला था पीछे। सर चादर डाल दी उसके ऊपर फिर। एक मिनट, ये कौन सा नुस्खा है भाई? आप कह रहे हो चूहे के ऊपर चादर डाल दी? बड़ी चादर सर, डबल बेड की, फिर वो उसके अंदर फंस गया। बड़ी चादर डाल दी और उस पे खुद कूद गए, जकड़ के और बाहर निकल गए, ऐसा कुछ किया? उसे बाहर फेंका है फिर। चादर डालोगे तो वो तो चादर के नीचे से निकल जाएगा, मतलब चादर क्या है? नहीं सर, पकड़ लिया उसे चादर के अंदर, फिर वो भाग नहीं पाया ना चादर के अंदर। एक्चुअल में चूहे कैसे पकड़ते हैं किसी को नहीं पता है? बताओ ना फिर कैसे पकड़ते हैं। हाँ बताओ कौन, किसी को भी दे दो माइक। वो जो रैट ट्रैप होता है उसमें हम पहले कोई फॉर एग्जांपल रोटी वगैरह लगाते हैं, सो जब वो चूहा स्मेल करके अंदर आता है सो वो रैट ट्रैप बंद हो जाता है, फिर हम उसे फेंक देते हैं। एग्जैक्टली, लेट्स गेट बिगन फॉर हिम। भाई आज जा करके एक रैट ट्रैप ऑर्डर कर देना, कुछ चद्दर चद्दर का काम रिस्की है। इट इज सो सिंपल। अब एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि उसमें जो हम चीज लगाते हैं क्या वो चूहे की पसंद की होती है या उसके पसंद की नहीं होती है? जो भी हम लगा उसके पसंद की होती है। जितनी ज्यादा पसंद की होगी उतना जल्दी आएगा, जल्दी फंसेगा। यस सर।
दिस इज प्लेजर. हर प्लेजर ऐसे ही काम करता है. पहले वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और जैसे ही वो प्लेजर हमको अपनी तरफ खींच लेता है तो हमें पता नहीं होता लेकिन हम फंस जाते हैं. जितना भी सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ये है, वो है, टेलीविजन है, ये सब किस लिए है? क्या वहां पर आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप प्लेजर्स को अपने कैसे कॉन्कर करो, या इस टेम्पटेशन से कैसे बचो, कैसे इस ट्रैप से बचो? ये सब तरफ ट्रैप्स ही ट्रैप्स है. कितने ट्रैप्स हैं? बहुत सारे. अनलिमिटेड अनलिमिटेड तरीके से अनलिमिटेड लोगों को फंसाया जा रहा है. कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं फंसा पड़ा है, कोई कहीं. तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? याद करो अपनी उस एडिक्शन को और उस मूवमेंट को. जिस मूवमेंट में, जिस भी चीज से आप एडिक्टेड हो, वो खाने की कोई चीज हो सकती है, तो उसकी खुशबू आती है, या दारू वारू हो सकती है, सिगरेट हो सकती है, ये सब चीजें. मतलब जैसे ही वो चीज हमें दिखती है तो क्या होता है? माइंड ब्लैंक हो जाता है. मतलब माइंड में जो भी बातें थी, ये सारी जो अभी हम कर रहे हैं, वो सब जीरो हो जाती है. हम सब कुछ भूल जाते हैं. होता है, नहीं होता है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? धीरे धीरे कम करेंगे तो शायद हम कुछ टाइम में उस एडिक्शन से बाहर. हम कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे कम करके, जब हम धीरे धीरे कम करते हैं तो क्या होता है? प्रैक्टिकली बताओ क्या होता है? और तड़पने लग जाते हो उसी के लिए. ऐसा होता है, नहीं होता है? दो तरीके हमारे पास अपनी एडिक्शन से लड़ने के. एक है, एक एक करके अपनी एडिक्शन से लड़ो. अगर आप बारीकी से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे, आपको एक या दो एडिक्शन नहीं है, पता नहीं कितनी है. यहां तक कि एक तरह से सोचने की भी एडिक्शन है. अपने थॉट प्रोसेस से एडिक्ट हुए पड़े हैं. जैसे कोई बंदा आकर के कोई बड़ी बात करेगा तो दिमाग में घुसेगी ही नहीं, क्या ये एडिक्शन नहीं है? कितने तरह की एडिक्शंस हैं, अनलिमिटेड तरह की. तो एक तरीका यह है कि अपनी अलग अलग एडिक्शंस को एक एक करके कॉन्कर करो. दूसरा तरीका क्या है? एक झटके में अपनी सारी एडिक्शंस को कॉन्कर कर लो. द एंड ऑफ एडिक्शन, उसका क्या रास्ता है? ध्यान से सुनना. सबसे पहला यह समझना कि हमें उन चीजों से दूर नहीं जाना है. उन चीजों से कुछ नहीं होता है. उन चीजों की वजह से अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो अंदर फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं, अंदर जो होता है पूरी बॉडी में, वो प्रॉब्लम है. वो हमें बांधती है. चीज नहीं बांधती है. जो आपने अभी अपना गेम का नाम लिया, दैट इज पबजी, वट एवर, मेरे सामने आप ला करके पबजी मेरे मोबाइल में रख भी दोगे तो क्या है, मैं नहीं खेल रहा. इन चीजों से हम बंध रहे हैं बिकॉज ऑफ अंदर जो गड़बड़ हो रही है. तो अगर ये अंदर जो कुछ होता है, नॉट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर एडिक्शन बट बिकॉज ऑफ एडिक्शन, उसको आप समझ जाओ और उसको आप कॉन्कर कर लो. तो क्या आपने सारी एडिक्शंस को कॉन्कर नहीं कर लिया है? तो चीजों से भागना सॉल्यूशन नहीं है, चीजों को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है. सबसे पहली चीज ये समझना सॉल्यूशन है, अपने ध्यान को सही जगह पे लेकर के आना. आप यही कोशिश करते हो, उस चीज से दूर जाते हो, लेकिन वो चीज तो प्रॉब्लम है ही नहीं. एडिक्शन तो यहां है, वहां तो है ही नहीं. खाई बात समझ में, इससे दूर नहीं जाते ना. इससे दूर जा सकते हो? कोई तरीका है? मान लो एक तरीके से कचरा अंदर है जिसकी वजह से बदबू आ रही है, लेकिन हम बाहर सफाई करने में लगे हुए हैं. जहां भी जा रहे हो बदबू आ रही है. जैसे हिरन की कहानी सुनी है आप लोगों, पता है हिरन के बारे में क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? कस्तूरी होती है. उसमें से क्या होता है? खुशबू आती है. उस खुशबू की वजह से हिरन की क्या हालत होती है? वो पागल हो जाता है, भागता रहता है, इधर उधर 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 गया. उसको पता ही नहीं उसके अंदर से ही आ रही है. ऐसे ही जो भी कुछ हो रहा है आपके अंदर हो रहा है. तो अगर इस ब्रेन को आप अच्छे से समझ जाओ, माइंड क्या होता है उसको अच्छे से समझ जाओ, और अपनी ब्रेन को आप कॉन्कर कर लो, तो क्या आपने इस पूरी दुनिया को कॉन्कर नहीं कर लिया है? दुनिया में जो भी करने लायक है वो सब कुछ नहीं कर लिया है?